चैप्टर नंबर थ्री इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या मतलब होता है? द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब कोई जानता है क्या होता है? चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई एम गोना एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ चैप्टर. आप लोगों ने पढ़े हैं पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 में पढ़ा होगा. क्या मतलब था? द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल मींस कॉम्बिनेशन ऑफ एलजेब्रा के अंदर क्या क्या आता है. एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? ऑलवेज नेचुरल नंबर विच इज नॉन जीरो या नॉन नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए. जैसे अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. मुझे आप बताओ श्लोक वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जी, एबीसी भी हो सकते हैं. वेरी मींस चेंज, एबल मींस होने लायक, वेरिएबल मींस चेंजेबल. जिसकी वैल्यू चेंज हो सके उसको कॉल्ड अ वेरिएबल. जितने भी अल्फाबेट्स अवेलेबल हमारे पास वी कॉल द वेरिएबल. जैसे एक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, एक्स कैन बी टू, एक्स कैन बी थ्री, इट कैन बी फाइव, कुछ भी हो सकता है. बट फाइव इज ऑलवेज फाइव. It can never be equal to 6 or 7. वो एक fixed value है. तो we call them constants. Constant जिनकी value fixed है means all the real numbers are constants. All the alphabets are called variables x, y, z. और इनका combination is called a polynomial. जिसमें ये दोनों मिल जाएं with some mathematical operations जैसे plus, minus, multiply, divide. Of course they will be connected by these only. ना ऐसे कैसे connect हो जाएंगे? तो इनको जोड़ने के लिए ये लगेगा. It's called a polynomial. But polynomial के अंदर एक खास बात होती है कि जितने भी यहां पर आपको पावर दिखेंगी, दिख रहा होगा आपको पावर्स क्या है, 3 है, 2 है, 20 है, दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4. अगर यहां पर मैं दे दू 20/3 तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज जस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. टू बी अ पॉलिनोमियल देर शुड बी कॉन्स्टेंट्स. यहां पर कॉन्स्टेंट्स है, मालूम है, 9 लगा दिया. There are variables. They are connected by some operations. Plus हो, minus हो, या divide भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. But power जो है ऊपर देख रहे हो आप variables की, ये होनी चाहिए natural number के form में. Then we call it a polynomial. ठीक है? लिखने का तरीका क्या होता है इसका आपको पता होगा. P of variable. सुना होगा class 9 में आपने P of x. P of x can be x plus y या फिर x plus 2. या P of x can be 2x square minus 3x plus 9, कुछ भी हो सकता है. And there were some types of polynomials. वो types किसके बिहाफ पे थे? डिग्री के बिहाफ पे थे. याद आ रहा है आपको डिग्री क्या होती है? सुमेश, डिग्री क्या थी? हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, क्या बोला इसने? हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल. इसमें कैच है, देखना अभी. मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है विच इज 3x की पावर 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर, या जस्ट नॉट 3 की पावर, 2 की पावर 10. ठीक है, 3x की पावर 4. ओके, बारिश आ रही है, आप यहां बैठ जाओ, आगे आगे आओ. इशिता, हेल्प आउट, हेल्प हिम. हाँ, तो 3x की पावर 4, 9x स्क्वायर, 2 की पावर 10. इट्स अ देखो, आपको दिख रहा होगा, इट इज अ पॉलिनोमियल. व्हाई? बिकॉज इसमें भी क्या है, वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, लिंकेज है बाय प्लस माइनस जो ऑपरेशंस होते हैं, एंड देन देयर आर पावर्स व्हिच आर लाइक नेचुरल नंबर्स. बट मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या है, आप बताओ मुझे. यस, पाथ, डिग्री क्या है इसकी? श्लोक, डिग्री क्या है इसकी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर. पावर तो पहली बात तो 9 है ही नहीं ना, ये तो बेस है. आप बताओ. 4. व्हाट्स योर नेम? धृति. 4. मानिया. 4. अच्छा, हाथ खड़ा कर दिए. हाँ, डिग्री, डिग्री पूछो. डिग्री तो 10 है, गलत है. 4. कैसे? यही कैच मैंने कहा था, कैच वर्ड यूज किया था मैंने. कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री की देखते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. आपने वेरिएबल नहीं बोला, मैं तभी कह रहा था, पूरा बोला था. हाईएस्ट पावर में तो आपको 10 दिख रही है, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स 10 लग रहा होगा. ऐसे यही दिक्कत है, जितना आसान लगता है उतना ही गलत हो जाता है. 2 की पावर 10 है. 2 क्या है? 2 इज अ कांस्टेंट, और 2 कांस्टेंट है. कांस्टेंट की पावर जितनी मर्जी बड़ी हो जाए आपको देखनी नहीं है. टू बी अ पॉलिनोमियल आपको देखनी पड़ेगी कि उसमें वेरिएबल की पावर क्या है,
वो फोर है और वो टू है, बस उस पर आपको ध्यान होना चाहिए, टेन पे ध्यान होना चाहिए, चाहे वो है टेन चाहे वो हंड्रेड क्यों ना हो कल को। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यस विच आर लिंक्ड बाय ऑपरेटर्स, ये है मेन ऑपरेटर सारे के सारे। अब इसमें डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहां पर हाईएस्ट पावर फोर होगी, हम लोग इसी में से ही जज करेंगे x की पावर में से 4 है या 2 है, तो 4 इज द हाईएस्ट पावर। अब हम उसको क्यों क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि सर माइंड में शायद आ रहा होगा सर वो भी तो हाईएस्ट पावर है, ले लो उसको 10 हाईएस्ट है, बट व्हाई नॉट, पता है व्हाई? यस इफ वी सॉल्व इट व्हिच इज 2 की पावर 10 इज 1024, 2 की पावर 10 हैज अ वैल्यू व्हिच इज 1024, तो भाई ये तो एक नंबर ही आ गया, पावर कहां हुई ना खत्म पावर। इसलिए पावर देखी जाती है सिर्फ अल्फाबेट्स की वेरिएबल्स की, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो सकती। 3 की पावर 10 इज आल्सो अ फिक्स्ड नंबर, कांस्टेंट नंबर, डेफिनेट नंबर। 2 की पावर 10 इज 1024, याद कर लो जो आप 1 GB बोलते हो ना, 1 GB गीगा इज 1024 बाइट्स, पता ना आपको 1024 आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है वो इसमें चलती है। 512 आईफोन किसमें आते हैं, 64, 128, उसके बाद 256, फिर 502, 1 TB, टेरा इज 1024 GB, तो 1024 के बाद क्या आएगा सीधा 2048, 2 की पावर 11 हो जाएगा ना वो, बिकॉज इंटू 2 एक और कर दो आप। तो ये नंबर्स के ऊपर अपने आप देखता ही नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, एंड डिग्री 4 को क्या बोलते हैं, बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो पता होगा आपको, टाइप्स जो है वो इसके दो पार्ट में टाइप्स होते हैं इसके, या तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर जस्ट एक ही टर्म है, जैसे कि इट्स कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, मोनोमियल, मोनोमियल, दो टर्म्स हो बायनोमियल, तीन हो ट्राइनोमियल, तीन से ज्यादा हो तो वी कॉल इट पॉलिनोमियल, पॉली मींस मेनिनोमियल, बाकी दो तीन तक के तो नाम है हमारे पास। ये तो हो गया सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे। टर्म क्या होती है, विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, उसको टर्म कहते हैं। जैसे इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स आर देयर, इसको ये मत करना 1, 2, 9, ये एक ही टर्म है, प्लस से पहले या बाद में टर्म होती है, तो उसमें 3 टर्म्स है, इट्स अ ट्राइनोमियल, इट्स अ बाइनोमियल, सिंगल हो गया तो इट्स अ मोनोमियल, मोनो इज 1, बाय इज 2, ट्राई इज 3, बट ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, डिग्री की बिहाफ पे अलग अलग नेम्स है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, इट्स कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जो चैप्टर का आपको नाम में दिख रहा होगा। लीनियर का मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशन आपको देखने वाले हो आप, सब में पावर 1 ही होगी, कहीं 2, 3 नहीं होगी, उस चैप्टर में आएगा ही नहीं, इसलिए नया चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, इसमें डिग्री 2 हो, तो उन वालों के लिए एक अलग चैप्टर डेडिकेटेड है पूरा, इसमें कभी नहीं आएगा, मिक्सिंग कभी भी नहीं होगी इसके अंदर। लाइक 3x + 2 इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, px which is 3x, बस हमने यहाँ स्क्वायर लिख दिया, अगर जस्ट स्क्वायर कर दिया, इट बिकम्स क्वाड्रेटिक, डिग्री 2। नाउ 4x³ + 9 बिकम्स क्यूबिक, एंड दैट वन इज जो यहाँ लिखा हुआ, इट्स कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक। तो पहली बात तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लीनियर, मींस वेरिएबल के पावर में से यहाँ 1 ही आने वाली है, कभी 2, 3 नहीं होने वाली है। नाउ इक्वेशन, हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल और यहां पर आ गया इक्वेशन, क्या फर्क है इसके अंदर, इट्स अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस, बच्चों को पता नहीं होता ये क्या है, मुझे बताओ ये क्या है, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। 3x + 2 इज ऑल्सो वॉट, अ लीनियर पॉलिनोमियल। हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन, इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट विच हैज टू साइड्स, इट हैज ओनली वन साइड, तो अगर आप लगाते हो x इज इक्वल टू 0, नाउ इज कॉल्ड इक्वेशन, तो इक्वल टू 0 का होना बहुत जरूरी है जस्ट टू मेक इट एन इक्वेशन, नहीं तो इट्स नॉट एन इक्वेशन, इट्स जस्ट पॉलिनोमियल। तो ये अब क्या बन गया, दिस इज वॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x ओनली। अगर मैं यहां पर ऐड कर दू 3x + 2y + 8 इज इक्वल टू 0, तो नाउ दिस इज लीनियर ऑफ कोर्स, बिकॉज एक्स और वाई के अभी भी पावर मैक्सिमम 1 ही है। ओके इक्वेशन भी है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वी हैव टू साइड्स, लेफ्ट एंड राइट, LHS RHS, एंड दीज आर द इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज वी हैव x एंड वी हैव y। ये आपने पढ़ा लास्ट ईयर तक, आपने एक सिंगल इक्वेशन पढ़ी है राइट, बट अब आपको क्या पढ़ना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर इक्वेशन विद दैट, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो यहां पर आपके पास एक नहीं दो होंगी, एक ये रही, दूसरी कुछ भी हो सकती है, अलग होगी ऑफ कोर्स, 2x + 4y + 11 इज इक्वल टू 0, तो दीज आर
क्या बोलेंगे इसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। तो आपको हर बार यहाँ पर दो इक्वेशन से पढ़नी है, हर सिस्टम यहाँ पर डबल ही होगा, कभी तीन है कभी चार नहीं हो, कभी एक भी नहीं होगी, दो ही होंगे। लास्ट टाइम इट ओनली वन इक्वेशन, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड टू इक्वेशन एट वंस। ठीक है, तो जरा एक बार कुछ चीजें कुछ लिखवा रहा हूं मैं अभी। अच्छा, इसमें एक और चीज बताता हूँ आपको, इसकी जनरल स्टेट क्या होती है। अभी रुको, अभी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आराम से लिखना। इन इक्वेशंस की जनरल स्टेट क्या होती है, तो हमेशा ये किस फॉर्म में मिलेंगी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ऑलवेज, जिसमें हर एक का एक मतलब है। इसमें एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होगा, इट कैन बी एनी रियल नंबर, रूट्स में भी हो सकता है, इट कैन बी रैशनल और इरैशनल, इट कैन बी टू, इट कैन बी रूट टू एज वेल। रूट टू की वैल्यू थोड़ी इरैशनल सी होती है, विच इज 1.4142 एंड सो ऑन। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए शुड बी अ रियल नंबर और एनी कॉन्स्टेंट। तो ए का मतलब क्या है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स, कॉफिशियंट मीन्स द नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक्स। उसके बी क्या होगा, इसमें कॉफिशियंट ऑफ वाई, जहां कोई वेरिएबल ना हो, इट्स कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म, सी इज कॉन्स्टेंट। अब इसको ना ऐसे मत रख लेना कि पहले ए है फिर बीच वाला बी है लास्ट में सी होता है, ऐसे में गलती हो जाती है। जैसे मैं आपसे ये बोलूं 3y + 10 + 2x में सी क्या है, yes. जगह कहीं भी हो जाए उसकी, मेक श्योर कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, जहां एक्स वाई नहीं होगा, यानी ये नंबर है ये कॉन्स्टेंट है, तो उसमें सी 10 है। ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कहीं भी पढ़ाओ आगे या पीछे, डोंट मेक एन इमेज कि वो आगे ही होगा, एक्स के साथ कहीं भी है वो ए होगा। तो ए इसमें 2 है, बी इसमें 3 होगा, सी इसमें 10 है। तो इसको आप अरेंज करते हो, तो प्रॉपर अरेंज कैसे हो जाएगा, 2x + 3y + 10 = 0 इक्वेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर स्टडिंग इक्वेशंस नॉट पॉलिनोमियल्स। अगर जीरो ना हो इसके अंदर, तो ये क्या बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इक्वेशन, इक्वेशन शुड हैव इक्वल्स टू साइन, जिसकी वजह से लेफ्ट राइट साइड बन जाएगी इसकी। समझ में आ गया आपको। अब पेयर के अंदर अगर हम लिखते हैं, तो ये तो हो गया आपकी एक सिंगल इक्वेशन की जनरल स्टेट। पेयर में क्या हो जाएगा, पेयर में ऑफकोर्स वी कैनॉट राइट द सेम इक्वेशन ना बार बार, तो सेम सेम ही हो गया फिर पेयर के, तो एक ही हमने दो बार लिख दिया। तो जस्ट टू मेक इट डिफरेंट, वी कैन ओनली चेंज कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट इसमें है ही नहीं, वेरिएबल इसमें एक्स और वाई ही चलने वाले हैं, बट वेरिएबल्स के साथ जो इसमें कोफिशिएंट्स इसमें कर दोगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। सो नाउ वी हैव टू इक्वेशन, द फर्स्ट वन इज a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी a2, y का b2, कॉन्स्टेंट नंबर 2 इज c2। जैसे आपके पास मान लो ये इक्वेशन पहली है और दूसरी मान लो यही आपके पास इक्वेशन दोनों, इसमें a1 क्या है, ओके, a2 क्या है, 2, b1 क्या है, 2, b2 क्या है, c1 इज, c2 इज, नाउ c2 इज 11, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड लाओगे तो +11 हो जाएगा। अगर कभी आपकी कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड लिखी होती है तो गलत मत करना कि सी तो -11 है, नो, पर इसको एक साइड ले आओ, सब कुछ होना चाहिए ऑन द लेफ्ट साइड। जब आपका राइट साइड पे जीरो आ जाए ना, तब देखो क्या सीनारियो है आपको कांस्टेंट का, तो ये तो गलत हो जाएगा सी, ऐसे इसको आप लेफ्ट साइड ले आओ, क्या हो जाएगा, +11, वहां पे क्या बचा, नथिंग, इक्वल टू 0, तो सी इज वापस 11। तो कभी कभार आपको ऐसा लिख के दे देंगे इज इक्वल टू -8 करके, तो वहां धोखा नहीं खाना आपको, अभी भी ये +8 ही है। हाँ, अगर यहाँ पर ही +8 होता, अब c1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि आप लेफ्ट में लाओगे पहले उसको। समझ में आ गया ना आपको, तो इस तरह से आपको a1 b1 c1 पहचानना है, एंड ऑफकोर्स a2 b2 c2 पहचानना है। ठीक है, आपको लिखवा रहा हूँ सारा मैं भी आपको कंप्लीट ढंग से, जस्ट टू सेव टाइम, स्लाइड है अच्छी, इससे लिखवाऊंगा आपको जस्ट इन 2 मिनट्स। देखो ध्यान से एक बार फिर से डाल लिया आपने हेडिंग चैप्टर के, डाल ली होगी, उसके बाद जनरल फॉर्म ये होती है जिसमें एबीसी का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। नाउ एक मिनट सुन लो, पहले इस वाली लाइन को जो आपकी फर्स्ट लाइन है, वी विल कॉल इट L1, बिकॉज बार बार लिखना पड़ेगा आपको इसको, तो टाइम वेस्ट होगा बार बार, तो विल नॉट राइट a1x b1y c1, जस्ट विल राइट L1, इसको लाइन 2 इज L2। तो अभी आप फिलहाल यहां तक नोट कर लो, सिर्फ आगे वाला टॉपिक समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, ठीक है, जस्ट टिल L2 करो। हाँ जी,
बाहर वैसे भी बारिश आ रही है, मौसम ठंडा हो गया बहुत. एक सेकंड. अब इसके बाद वाला मत लिखना, मैंने ऊपर कर दिया था कि आप इजीली लिख पाओ, बट अभी लिखना आपको सिर्फ यहीं तक किया टिल L2. डन. चैप्टर स्कूल में कौन सा स्टार्ट हुआ आपके बाद हुआ? अभी जनरली सबके स्कूल में चैप्टर 1 ही हुआ या थर्ड स्टार्ट हुआ? थर्ड ही हुआ है. लीनियर 1 कहाँ स्टार्ट हुआ है? बहुत कम स्टार्ट करते हैं वन, क्योंकि वन एक्चुअली चैप्टर बड़ा बोरिंग है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ. वन इज अ बोरिंग चैप्टर, कुछ नहीं करने हुए इसमें ज्यादा, ऊपर से आधा कट भी गया, जो उसका प्रैक्टिकल पार्ट था डिलीट हो गया. चैप्टर नंबर 2 का भी एक फन पार्ट था, लॉन्ग डिवीजन, वो भी काट दिया, तो वो भी कुछ नहीं बचा. इट्स अ क्लास मैक्सिमम, इट्स अ 2 क्लास चैप्टर नाउ. ये है बड़ा, इट्स गोना टेक एटलीस्ट 2 to 3 weeks. 3.12 3 4 5 6 7 साइज ज्यादा है इसके अंदर, बट 3.6 हैज बीन डिलीटेड. Still, there's a lot to do. ठीक है, हटा दूं इसको. ओके, अब देखो ग्राफिकली अगर हम बात करते हैं इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो मैं उस पर आता हूं. ओके, आप लोगों ने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशंस जो आपने लास्ट टाइम प्लॉट की थी क्लास 9 में, तब भी उसका ग्राफ आपको बनाना आता है. वी हैव टू फाइंड 3 सॉल्यूशंस टू प्लॉट द ग्राफ. सॉल्यूशंस क्या होते हैं वंश? एनी आइडिया अबाउट सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस आर द एड्रेस. वेरी गुड, वी कैन कॉल इट एड्रेस. जैसे मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है x + y = 10. ये कौन सी इक्वेशन है? विच काइंड ऑफ इक्वेशन इज दैट? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. लीनियर इक्वेशन इज इट इन 2 वेरिएबल्स? Yes, x or y. Is it an equation? तो इसमें सब कुछ फुलफिल हो रहा है, लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, टू वेरिएबल में भी. पहले चेक कर लेना, ये सब होना चाहिए इसके अंदर, वो होगा हर बार. अब देखो ये अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ ग्राफ के ऊपर, तो डेफिनेटली वी आर गोना गेट अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर में हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, बता रहा हूँ आपको. जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना कोई भी एक इक्वेशन की, जैसे इसकी 1 है ना, उतनी बार वो कट करती है ऑन द x एक्सिस. ये एक लॉजिक है.
द नंबर ऑफ टाइम इट कट्स द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिग्री. डिग्री कितनी है इसकी? एक. तो ऐसी लाइंस जब कभी भी क्रॉस करेंगी तो दे कैन कट एक्स एक्सिस मैक्सिमम वंस, एक बार ही कट कर सकती हैं. बट अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, मतलब क्या डिग्री टू है, अब जिसकी डिग्री टू है मतलब वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगी, और दो बार कट करेगी मतलब इट कैनॉट बी स्ट्रेट, इट हैज टू टेक अ यू टर्न टू कट ट्वाइस. दो बार काटने के लिए उसको घूम के आना नहीं पड़ेगा वापस, एक बार काटा बड़े को एक बार ही काटा, फिर दोबारा काटने के लिए उसको फिर घूम के आना पड़ेगा. तो इफ यू हैव सम इक्वेशन लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एंड अगर आप यहाँ पर ग्राफ बनाते हो तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, हमेशा आपको ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड पैराबोलिक कर्व. सुना आप लोगों ने, इसको पैराबोला. पैराबोलिक कर्व ऐसी भी होती है और इवन ऐसी भी हो सकती है. मतलब बताता हूँ आपको ये होता क्या है, पैराबोलिक होता क्या है. अगर आपके पास कोई भी एक स्टोन आपके हाथ में है, आप उसको उठा के फेंकते हो के ऊपर, ऐसे किस मोशन में वो नीचे आएगा? पैराबोलिक कर्व ही होगी. पहले वो पत्थर ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा, यही तो होता है हमेशा. अगर आप पत्थर फेंकते हो अर्थ के ऊपर जहां ग्रेविटी है, नॉट जस्ट अर्थ, मार्स पर फेंक लो, तो उस केस में पहले वो ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट अचीव होगी उसकी, फिर उसके बाद इट विल स्टार्ट टू फॉल डाउन. तो ये जो कर्व दिख रही है ये भी पैराबोलिक कर्व है. और अगर इसका पूछूं आपसे क्वेश्चन क्या होगा तो वो भी क्वाड्रेटिक ही होगा. क्यों? आप देखो इसका डिजाइन. बट शूटिंग स्टार की क्या होगी इक्वेशन? शूटिंग स्टार मोस्टली वो स्ट्रेट ही जाते हैं ना. शूटिंग स्टार देखा आपने कभी? एक ट्रेल दिखती है आपको व्हाइट सी, कभी देखा शूटिंग स्टार आप लोगों ने? नहीं देखा? किस किस ने नहीं देखा, उधर हाथ खड़े करना. कभी मूवीज में देखा है? स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, कभी घूम के नहीं जाता वो. तो बस ये तो मतलब पैटर्न आपको स्पेस में देखने को मिलते हैं. लेकिन यहां पर ये फॉलिंग वाला हो गया, ये स्ट्रेट वाला हो गया, आप तो कह सकते हो. आप तो इसकी क्वेश्चन क्या हो सकती है? ये इसकी मे बी ये, ठीक है. बट अब लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करूं मैं, स्ट्रेट लाइन भी बहुत तरह की होती है. स्ट्रेट लाइन मेनली तीन तरह की है. द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. जैसे आपको रूम में दिख रहा होगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस कैसी कैसी हैं, ये पिलर की लाइंस, गेट की लाइन, ये व्हाइट बोर्ड की ये लाइन, ये सब वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस हैं. या सेकंड स्ट्रेट लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, लाइक ये स्क्रीन के ऊपर जो दिख रही आपको बाउंड्री, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है. और फ्लोर, ये भी लाइंस कैसी हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. अब इसमें क्या होता है बताता हूँ. वर्टिकल लाइंस के अंदर हमेशा एक वेरिएबल ही होता है, दूसरा कभी चेंज नहीं होता. नॉर्मली आपको बताता हूँ क्या होता है. जैसे इसकी बात करें, सबसे पहले हमने लिए एग्जांपल छोटी सी इक्वेशन का. इसमें अगर मैं डाल रहा हूं एक्स को वन, तो वाई क्या आएगा? यस, मैं इसको डाल रहा हूं एक एज अ पैटर्न की फॉर्म में, कि अगर इसमें हम डाल रहे हैं एक्स को वन तो वाई कितना आ गया? नाइन. एक्स डाल टू तो वाई कितना आ जाएगा? एट आ जाएगा. एक्स थ्री डालो तो वाई कितना आ जाएगा? सेवन. ऐसे ही इसमें कोई लिमिट है क्या सॉल्यूशंस की? देयर इज नो लिमिट. एक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट. कोई इसके लिमिट नहीं. आप इसमें फोर डाल दो यहाँ सिक्स आ जाएगा, जीरो डाल दो तो टेन आ जाएगा. एंड ये जो आपको एड्रेस दिख रहे हैं 1.9, 2.8, 3.7 एंड सो ऑन, अगर आप इनको प्लॉट कर देते हो ऑन अ पीस ऑफ ग्राफ तो आपको एक ऐसी लाइन मिलेगी इस तरह की. और जितने भी पॉइंट्स सारे इसके ऊपर आएंगे ना स्ट्रेट लाइन, वी कॉल देम सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. सॉल्यूशन मींस एड्रेस द पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन दिस लाइन इज कॉल्ड इसके सॉल्यूशंस. कितने होते हैं एक लाइन के? इनफाइनाइट. एक स्ट्रेट लाइन के सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हैं. स्ट्रेट लाइन अगर ना भी, अगर वो मान लो क्वाड्रेटिक भी है पैराबोला, तब भी कितने होंगे? इनफाइनाइट. देयर इज नो लिमिट. आप ड्रॉ किए जाओ उसको आगे, कोई लिमिट ही नहीं है इसकी. तो एवरी सिंगल इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच कैन लाई ऑन द लाइन, जैसे इसमें है. क्लियर हो गया आपको ये भी? तो इसमें दिख रहा होगा आपको जहां पर एक्स वाई दोनों है ना, वहां पर एक्स चेंज होने के बाद वाई चेंज होना इनएविटेबल होगा ही होगा, वो आप रोक सकते नहीं. आपने अगर आपने एक्स चेंज किया, वन का टू कर दिया तो वाई नाइन का एट हो गया. एक्स आपने टू का थ्री किया तो वाई चेंज हो गया, एट का सेवन हो गया. तो जहां कहीं पे भी एक्स वाई दोनों वेरिएबल्स होंगे, those equations are called oblique equation, means graph पे वो टेढ़ी आएंगी ऐसी, या तो ऐसी या ऐसी या ऐसी या ऐसी, ऐसी शेप में आएंगी. लेकिन इसमें क्या होगा, वर्टिकल लाइंस के अंदर आप एक वेरिएबल चेंज किए जाओ, दूसरा चेंज नहीं होगा. वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जैसे ये ग्राफ है. अच्छा, ग्राफ का एक और नाम क्या होता है? ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन प्लेन, विच इज टू एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इज वाई एक्सिस, वाई
वाई डैश एक्स एक्स डैश ओके। अब मान लो ये एक लाइन है ऐसी, अब इसने कहां पर कट किया है मुझे बताओ जरा एक्स को, ऑन द एक्स एक्सिस मान लो ये वन है ये टू है और ये वाला पॉइंट थ्री है, तो इस पे इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, मान लो ये वन है 3.1, इसका एड्रेस क्या होगा 3.2, इसका एड्रेस क्या होगा 3.3, इसका एड्रेस क्या होगा 3.0, 3.-1, 3.-2, 3, जैसे जैसे नीचे जा रहे ऊपर जा रहे एड्रेस चेंज हो रहा है, बाई चेंज हो रहा है, बट किस में एक्सचेंज हो रहा है क्या? तो इस इक्वेशन का नाम पता क्या है, इट्स कॉल्ड एक्स इज इक्वल टू थ्री। वाई सो, क्योंकि आपने इसमें y को पुट किया कितना पहले 0, x कितना आ रहा है 3, आपने पुट किया इसमें y को 1, x कितना आ रहा है 3, y कितना अगले वाले में 2, x कितना आ रहा है, आप कुछ भी डालते रहो इसके अंदर, दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, आप कुछ भी कर लो x विल नॉट चेंज। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे जहां पर कहीं पे भी y एक्सचेंज ना हो, इज कॉल्ड अ वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन यानी कि जो y के साथ होती है पैरेलल, they have equation like this, x is equal to a, इसमें y हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि अगर y आप लिख भी देते हो तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर मैं लिखूं इसको प्रॉपर फॉर्म में तो इट्स लाइक 3x + 0y + 6 = 0, और लिखना ही है इसको इन टू वेरिएबल्स, लिखना ही है जबरदस्ती, तो विल राइट लाइक 3x लाइक ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें जरा चेक करो ध्यान से, बी कितना होगा 0 होगा। इफ वी पुट वाई इज इक्वल टू 1 तो 0 × 1 = 0, क्या आएगा इसमें एक्स -6/3 - 2। अभी फॉर द इजी केस 3 वाले के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, मान लो -9, तो यहां जगह क्या हो जाएगा +9, तो यहाँ एक्स 3 आ रहा है, मैंने सेम ही कर दिया है। इफ वी पुट वाई इज इक्वल टू 1 पुट करो 0 × 1 = 0 हो गया, 2 डालोगे फिर 0 हो गया, तो यहाँ पर कभी एक्सचेंज नहीं होगा। तो जितनी भी लाइंस वर्टिकल लाइंस होती है ना, उसमें एक वेरिएबल के चेंज होने से उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं आता, ये चेंज हो रहा है बट ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये वर्टिकल लाइंस है, ये भी फिलहाल ऐसे लाइंस नहीं आएंगे आपको। उसके बाद एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, जैसे कि ग्राफ में देख लो आप, ये लाइन है, ये है आपका वाई सेम वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, उसके बाद ये मान लो 1 एंड ये 2 है। पता है आपने ये करा है क्लास 9th में, 4.4 इसके ऊपर थी, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, ये डोंट अज्यूम कोर्स में नहीं है, ये था। और आपको ये नया नया लग रहा है, मतलब आपको सही से कॉन्सेप्ट याद नहीं है या भूल चुके हो आप, और ये पढ़े बिना हम लोग क्लास 10 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपने क्या बताया, जहां जहां क्लास 9 के चैप्टर खत्म हुआ ना मैथ्स के, वहां ये शुरू, अगर खत्म नहीं हुआ ना, अगर अगर आपकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई क्लास 9 में, तो फिर स्टार्टिंग भी अच्छी नहीं होगी। दैट्स व्हाई मैं छोड़ नहीं रहा बिल्कुल भी, चाहे क्लास लगे कोई दिक्कत नहीं, ढंग से पढ़ना है तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, 100 में 100 वाला टारगेट रखे हम रख के चलेंगे हमारा साथ। नाउ इसमें बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसमें अगर हम एड्रेस लेंगे वाला एड्रेस क्या होगा 0.2, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस ऑफ द फॉर्म 0, something 0, y, बिकॉज ऑन द वाई एक्सिस एक्स इज ऑलवेज 0, इसका एड्रेस क्या होगा इस वाले पॉइंट का, मान लो ये 1 है तो 1.2, अगले वाले का 2.2, उससे अगले वाले का 3.2, अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो -1.2 और -2.2 एंड -3.2। अब यहां पर क्या चेंज हो रहा है और क्या चेंज नहीं हो रहा, एक्सचेंज करे जाओ जितना मर्जी कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव 0, वाई चेंज नहीं हो रहा, वाई इज कॉन्स्टेंट, और वाई की वैल्यू क्या है 2, तो इस इक्वेशन का नाम इज y इज इक्वल टू 2 होता है, या y इज इक्वल टू b, मतलब जो भी नंबर है, अगर मान लो कट कर रहा 3 पे तो y इज इक्वल टू 3, अगर कट कर रहा 1 पे तो y इज इक्वल टू 1, तो इट कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर, डिपेंड्स कि वो कहां कट कर रही है। तो दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसमें अगेन फिर से बता रहा हूं आपको, दोनों वेरिएबल नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है, ओनली y, इसमें क्या होता है ओनली x, x y दोनों कहां होते हैं, जहां जिसको हम पढ़ रहे हैं ax + by + c, these all are oblique lines, टेढ़ी लाइन, वहां पर ऐसा नहीं है, आपको पढ़नी भी सब टेढ़ी है, ऑब्लीक ही पढ़नी है, जहां पर एक्स चेंज होगा वाई चेंज होना श्योर है, होगा ही होगा, या अगर आपने वाई चेंज किया तो क्या होगा, एक्स चेंज होना कंफर्म्ड है, इनमें नहीं होता, ना वर्टिकल में होता है ऐसा, ना होता है इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, बट स्टिल दीज आर टाइप्स ऑफ लाइन
छोड़ना नहीं है उनको भी. तो टाइप ऑफ लैंड कितनी हो गई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. मोस्टली आएंगी नहीं आपको बट पता होना चाहिए, बट मेजरली जो आपको आएंगी हर केस में ऑब्लिक जैक्स वाई दोनों होंगे. एक चेंज दूसरा चेंज होना ही होना है. और हर एक लाइन के तरह सॉल्यूशंस होते हैं इनफिनाइट, आपको निकालने तीन ही है सिर्फ. बट अब पेयर में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो आपके पास दो लाइंस हैं, एक तो होगी ये एक स्ट्रेट लाइन होगी सिंगल लाइन, बट वी हैव अ पेयर ऑफ लाइन ना, वी डोंट हैव अ सिंगल लाइन, वी हैव अ पेयर ऑफ लाइन. तो पेयर ऑफ लाइन इफ प्लॉटेड ऑन द ग्राफ कैसे लोकेट हो सकती है, अगर आप दो स्ट्रेट लाइंस को लोकेट करना चाहते हो ऑन अ सेम पीस ऑफ ग्राफ, अलग अलग पे नहीं सेम पीस ऑफ ग्राफ पे, तो कैसी शेप्स आएंगी. अगर तो मान लो वो लाइन ऐसे ही आ जाती है दूसरी वाली साथ में, तो ये लाइंस कैसे बन गई, पैरेलल लाइन. तो टू स्ट्रेट लाइंस ऑन द सेम पीस ऑफ ग्राफ कैन बी पैरेलल लाइंस इफ दे डोंट इंटरसेक्ट. केस वन. केस टू, मोस्ट ऑफ टाइम दे आर इंटरसेक्ट, एक ऐसी है टेढ़ी और ऐसे टेढ़ी है, तो वो मीट हो जाएंगी, तो वी कॉल देम इंटरसेक्टिंग लाइंस, वी कॉल देम इंटरसेक्टिंग बिकॉज ये कट कर रही है. प्योर केस भी हो सकता है इसके अंदर क्या, सात्विक, एक बार मीट हो रही है एक बार मीट नहीं हो रही है, और क्या हो सकता है इसके अलावा, कुछ हो सकता है. थिंक अबाउट इट, थिंक हार्डर. यस, कोइंसाइडिंग मैं आपको करके दिखाता हूं. देखो ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये भी मार्कर भी स्ट्रेट ही है, तो ये दो किस किस शेप में अलाइन हो सकते हैं. एक तो ये री शेप, क्या शेप है ये वाली, पैरेलल, मीट नहीं करेंगे, है तो स्ट्रेट लाइन ही. नाउ मीट होंगे कोई एक पॉइंट पे, रैंडम पॉइंट कुछ भी हो सकता है, दे विल मीट. दो केस हो गए दो केस हो गए इंटरसेक्टिंग पैरेलल. थर्ड केसेस लग रहा ना एक ही है, बट दीज आर कोइंसाइडिंग, एक के ऊपर एक, इट्स कॉल्ड ओवरलैपिंग. पैरेलल में क्या बेटे, अलग अलग तो है ही ना, दिख रही है आपको दो अलग अलग है, धन्यवाद. बट नाउ वी कैन सी ओनली वन मार्कर बिकॉज ए के पीछे छुप गया है, तो वी कॉल देम कोइंसिडेंट, कोइंसाइडिंग या ओवरलैपिंग. तो ये तीसरा केस है कि होगा क्या, एक लाइन गिरी और दूसरी इसके एग्जैक्टली ऊपर आगे के लग नहीं रहा कि दो लाइंस है, बट स्टिल देयर इज अ सेकंड लाइन ऑन जस्ट टॉप ऑफ इट. तो दिस इज कॉल्ड कोइंसाइडिंग केस, कोइंसिडेंट केस. समझ में आ गया. ओके नाउ, हाँ ऐसे तभी वो मीट तो कर ही रही है, तो वो वाला केस कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग ही होगा. मीट होंगी चाहे वो कोई भी शेप में हो, इसको इंटरसेक्टिंग, और बाकी नहीं होगी तो पैरेलल, एक के ऊपर एक तो कोइंसाइडिंग. ये तीन ही केस है, अगर दो लाइंस आपको दिख रही ग्राफ के ऊपर तो देयर इज नॉट फोर्थ केस, यही तीन केस है. फिर समझ में आ गया आपको. तो ग्राफिकली ये होता है. अब मैं आपको मान लो ये कहता हूं, आपके पास दो इक्वेशन है, ये भी 3x + 4y + 10 = 0, और दूसरी एक लाइन है 9x + 8y + 11 = 0. वी हैव अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, बताओ ये किस शेप में प्लॉट होंगी ग्राफ के ऊपर. तो मैं इनकी शेप क्या बनने वाली है ग्राफ के ऊपर, पहले मुझे ये बताओ ये लाइंस कैसी हैं, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है कि ऑब्लिक है. हाउ कैन यू जज ऑब्लिक है. अच्छा देखो, कुछ बच्चों की आवाज आ रही है ऑब्लिक, कुछ चुप भी हैं. जो चुप हैं उनके दो रीजन है, या तो बोलना नहीं चाहते, फीलिंग लेजी, या उन्हें पता ही नहीं है. लेजी हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बहुत हूँ, बट अगर आपको पता नहीं है आप चुप रह के अपनी मिस्टेक को छुपाना मत, बोल दूसरा हमें नहीं पता, हमें क्या पता है, मतलब हमें पता ही नहीं है, प्लीज बता दो उसका आंसर क्या होगा. ऐसे ही मैथ इंप्रूव हो, पहले मार्क्स जितने मर्जी आए 50-60% मुझे नहीं फर्क पड़ता, अभी अच्छे लाने, अच्छे लाने के लिए आपको बता रहा हूँ दो चीजें फॉलो करनी है, टेस्ट टेस्ट और होमवर्क तो देना ही देना है. सेकेंडली क्लास में यू हैव टू बी इंटरक्टिव, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो पूछो, दानिया पूछना है आपको. आप भी थोड़ा शर्म मुझे दिख रही है, थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर, कोई बात नहीं, बहुतों का होता है, बट आपको पूछना है जरूर, नहीं आता तो नहीं आता, बता दो सर. ओके दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे मैं कि ये दो अपने दो लाइन्स लिख के दी है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ही है, लीनियर बिकॉज वाई, बिकॉज पावर इज वन, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इक्वेशन ये रही. अब ये इक्वेशन को अगर मैं कह रहा हूं कि किस तरह की है, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या ऑब्लिक है, क्या है, तो कैन यू आइडेंटिफाई, कैन यू आइडेंटिफाई, नहीं ना आप नहीं बता सकते ना, नहीं है, किस किस को नहीं पता ये क्या है, तो हमें क्या पता क्या है, तो प्लॉट भी नहीं करी हमने, हमें क्या पता. सो जस्ट रेज योर हैंड, बड़ा बड़ा, बी कॉन्फिडेंट, सर नहीं पता हमें, बताओ
हाँ वेरी गुड, नहीं पता तो नहीं पता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पूछ पाना इज अ बिगर थिंग, ठीक है, थोड़ा बड़ा और मुझे भी दिख नहीं रहा कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, चलो देखा, पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो कुछ फायदा होगा। अगर किसी इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों है, ऑब्लिक है, सिंपल लॉजिक, कैसे दोनों है, कैसे दोनों है, सिंपल, अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर एक्स वाई दोनों है, टू वेरिएबल्स में है कि नहीं है दोनों, एक्स वाई, तो पक्का टेढ़ी ही प्लॉट होगी, मीन्स या तो वो ऐसी होगी या तो वो ऐसी होगी, ऐसी भी हो सकती है, वर्टिकल नहीं होगी और हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, बिकॉज अगर कोई लाइन वर्टिकल है, जैसे ये वाली थी, इसकी क्या थी इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू थ्री, क्या इसमें वाई था, नहीं, ये वाली कैसी थी, हॉरिजॉन्टल थी, इसका नाम क्या था, वाई इज इक्वल टू, क्या इसमें एक्स था, तो एक एक वेरिएबल मिसिंग है कि नहीं है, इसमें भी मिसिंग है एक्स, इसमें मिसिंग क्या है वाई, इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, अगर हा? अगर एक में हो तो फिर वो वैसी होगी, मान लो मैं कह रहा हूँ ये ऐसी हो गई, अब ये वाली तो पक्का ऑब्लीक है, बिकॉज इट हैज बोथ एक्स एंड वाई, ये नहीं है पक्का ऑब्लीक, ये वाली बनेगी पक्का या तो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ऐसी ग्राउंड के साथ जैसी, या फिर वर्टिकल सीधी, उनमें से कौन सी है ये, जिसमें ध्यान से देखना, जिसमें वाई मिसिंग है वो वाई के पैरेलल है, इसमें क्या मिसिंग है, वाई के पैरेलल है, जिसमें एक्स मिसिंग होगा वो एक्स के पैरेलल होगा, टेढ़ी नहीं होगी वो, इसको टेढ़ा नहीं कहते, जहां बैठे वो टेढ़ा ग्राउंड नहीं है, इट्स फ्लैट हॉरिजॉन्टल, टेढ़ा क्या होता है, घर की जो जहां गाड़ी चढ़ती है स्लोप पे, वो होती है टेढ़ी, ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है, या वॉल्स कैसी होती है, टेढ़ी नहीं होती, इट्स प्योर वर्टिकल, वॉल्स आर प्योर वर्टिकल, लाइंस आर प्योर हॉरिजॉन्टल, अगर आपका घर सही से तैयार किया गया तो, नहीं तो फिर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं फ्लोर, वॉशरूम टेढ़ा होता है पता है आपको, बाथरूम फ्लोर इज ऑलवेज स्टीप, कभी नोटिस नहीं किया होगा आपने, कभी करा है, आपका बाथरूम कभी उसका मार्बल कभी फ्लैट नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, ना बालकनीज का, बारिश आएगी पानी रुक जाएगा, ये बाथरूम में आप नहाओगे पानी रुक जाएगा, वो थोड़ा टेढ़ा रखा जाता ताकि नालियों में जाए, ठीक है, तो बस उसको, बट वो बहुत टेढ़ा नहीं होता कि आप फिसल जाओ, हल्का सा बस पानी अपना रास्ता निकाल ले, बाकी बेडरूम्स आर ओनली ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में एक्स वाई पक्का मिसिंग होगा, जहां पर दोनों हैं वो पक्का क्या होगा, ऑब्लिक यानी टेढ़ी, ऑब्लिक मीन स्लैंट, टेढ़ापन जिसमें होता है वो लाइंस होंगी, तो आपको आनी ही मान लो यही है हमेशा, बट जो आना है सिर्फ वही नहीं पढ़ना ना, हमको मैथ करना है, नॉट जस्ट फॉर द मार्क्स, फॉर एफिशिएंसी, फॉर नॉलेज भी करना है आप लोगों को, आप क्लास में लगेगा आपको जब क्लास में मैम पढ़ाएंगी कि आपको उनसे ज्यादा ही आता है, और जो बच्चे आंसर देंगे आपको उनसे ज्यादा आंसर पता है, देन यू आर द विनर, जो सबको आता है वो तो सभी को आता है ना, आपको क्या आता है, एक्स्ट्रा क्या आता है, यू हैव टू बी आउटस्टैंडिंग इन द क्लास, तो ये याद रखना, ठीक है, ये ऑब्लिक है, अच्छा ये वाली लाइन क्या होगी, 5/2% इज इक्वल टू 0, क्या ये ऑब्लिक है, नहीं है, व्हाई, वन वेरिएबल इज मिसिंग, बट नाउ इज इट ऑब्लिक, यस, बिकॉज इट हैज बोथ, तो अगर आपकी कभी भी कोई लाइन टेढ़ी नहीं आ रही, वर्टिकल आ गई है जिसमें एक्स वाई दोनों, मतलब क्या है, गलत कर रहे हो आप, पता होना चाहिए ना, सेल्फ अवेयरनेस शुड बी देयर कि हाँ गलत हो रहा है, या अगर आपकी कभी ऐसी लाइन ऑब्लिक आ जाए ड्रॉ करने के बाद, मतलब क्या है, गेन गलत कर रहे हो आप, तो ये पता होगा तभी तो सेल्फ इवैल्यूएट कर पाओगे अपने आप को, नहीं तो फिर चेक होने जाएगा, फिर काटा पड़ेगा और फिर अरे ये तो गलत हो गया, यहाँ खुद पता होगा, करते हुए पता होगा गलत है कि सही है, तो उनमें आ गया, ओके नाउ ये दो लाइन ऑब्लिक है, सबको कन्फर्म हो गया, अब किस तरह की ऑब्लिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ लेवल वाइज, ऑब्लिक क्लैरिटी सबको है, अब देखो ना, ऑब्लिक में भी तीन तरह की हो सकती है, इंटरसेक्टिंग ऑब्लिक, पैरल ऑब्लिक, या कोइंसाइडिंग ऑब्लिक, है तो ऑब्लिक ही, टेढ़ी तो सारी है, बट किस तरह की, मीट होंगी नहीं होंगी या एक के ऊपर एक होंगी, अब ये कैसे बताओगे, इसके लिए क्या तरीका है, ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, इसका ग्राफ ड्रॉ करना सबको आता, क्लास 10 वाला ग्राफ, वही सेम क्लास 9, आप इस लाइन के निकालोगे तीन सॉल्यूशन, एक्स डालोगे वाई आएगा, विल मेक अ टेबल, तीन पॉइंट्स आएंगे, तीन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, कुछ शेप आ जाएगी ऐसी, सबको कुछ नहीं आती है या नहीं आती है, यहाँ पर भी मैं चाह रहा हूँ ऑनेस्ट, नहीं आती तो बता दो नहीं आती, सबको आती है ना, गुड, उसके बाद मान लो इसके तीन पॉइंट्स ऐसे आ गए, जोड़ोगे स्ट्रेट लाइन, यहाँ जोड़ोगे स्ट्रेट लाइन, तो ये मीट हो रही है, सिंपल,
डीज डेल्टा इंटरसेक्ट, मान लो के ऐसे आ जाते हैं पैरेलल, या अगर ऐसे आ जाते हैं कोइंसाइडिंग, तो डॉट्स बताएंगे आपको जो आपको निकालने पड़ेंगे कि कैसी लाइंस है। ग्राफ बनाना आसान है बट लंबा प्रोसेस है कि नहीं। पहले आप इसके तीन पॉइंट निकालोगे सॉल्यूशंस, फिर इसके निकालोगे, फिर प्लॉट करोगे, इसके प्लॉट करोगे, फिर आप जज करोगे कि कैसी लाइंस है। टाइम तो लग गया ना, दो मत निकालना, तीन निकालना भाई, दो के नंबर कटते हैं, नंबर कटते हैं। पता क्यों? दो पॉइंट से हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती है, कभी गलती होगी नहीं आपसे। बट अगर आपका तीसरा पॉइंट भी उसके ऊपर आ रहा है, मतलब आप सही कर रहे हो। बट अगर आपका तीसरा पॉइंट मान लो ऐसे आ गया, स्ट्रेट लाइन, मतलब आप गलत कर रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ दो पॉइंट से गलती हो भी रही है तो आप देख ही नहीं पाओगे। थर्ड पॉइंट विल मेक यू इंश्योर कि भाई आप सही कर रहे हो, इसलिए तीन पॉइंट नहीं बनाने, तीन पॉइंट कम नहीं बनाने, चार भी नहीं करने, ना दो ना चार, तीन इज अप्रोप्रिएट। दानिया ठीक है, चार नहीं करने, दो भी नहीं करने, तीन ही करने हमेशा आपको। बट मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक शॉर्टकट है, बिना हाथ लगाए सिर्फ देख के बता सकते हैं हम लोग कि जब ये ग्राफ प्लॉट होगा तो ये किस शेप में आएगा। फॉर्म पढ़ने वाले हैं वैसे तो देखो, एक तरीका तो है, लॉन्ग कट तो है, ये ग्राफ बना के देख लो, बनाओ, लगेंगे 5-10 मिनट, कुछ कुछ शायद ज्यादा लगेंगे, बट दिख जाएगा कि लाइंस कैसी है। बट मैं बता रहा हूँ देयर इज अ शॉर्टकट विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट ऐसे आलसी की तरह बैठ कर देख के, जैसे आप बैठे हो बता सकते हो आप कि ऐसे बनेगा। बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यूर कंफर्टेबल, बट बता रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो आप मैथ्स इसके शॉर्टकट से। बट आपको वो कहा जाएगा कि कैसे करना है, शॉर्टकट या ग्राफिकली, सीखने दोनों है हमको, क्लियर। अच्छा एक और चीज, अभी मैं इस पर भी आऊंगा कैसे निकालेंगे। इस लाइन के मल्टीपल सोल्यूशन है, लाइन वन के, इसके भी कैसे होंगे, मल्टीपल सोल्यूशन होंगे इसके भी, देयर इज नो फिक्स काउंट, बट दे हैव वन कॉमन सोल्यूशन, दिख रहा है आपको, दे हैव वन कॉमन सोल्यूशन जो इस पे भी लाई हो रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है। हमारा पूरा चैप्टर इसी में ही सारा क्रॉस हो जाएगा, निकल जाएगा टू फाइंड दिस कॉमन सोल्यूशन। बता रहा हूँ चैप्टर का, पूरे चैप्टर में करना क्या आपको, हमारा पूरा चैप्टर में वी जस्ट आर गोना चेज दिस पॉइंट व्हिच इज अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब जो दोनों के लिए कॉमन है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, एक इक्वेशन एक ये है, x plus y is equal to 10, और दूसरी x minus y is equal to 6. टू इक्वेशन हैं, दोनों लीनियर हैं, दो वेरिएबल्स में है, इक्वेशन भी हैं। मुझे बताओ ऐसे यहाँ पर कौन सी वैल्यू है जो इसमें प्लॉट हो सकती है। 1.9 राइट, 6.4 और 2.8 बोलते रहो, 5.5 इज ऑल्सो 10, कोई लिमिट है इसकी? नो लिमिट। इसमें कितनी है? बहुत सारे हैं, जैसे 10 and 4 6 आएगा, और बताओ 12 and 6 6 माइनस है बीच में, और 8 and 2 इज ऑल्सो 6, 20 and 14 is also 6। तो देर आर सो मेनी पॉइंट्स, जो आप एक्स वाई डालोगे आपको 6 ही मिलेगा। बट नाउ आई एम आस्किंग, कोई ऐसा पॉइंट बताओ नंबर जो दोनों के लिए ट्रू हो, जिनका सम 10 आए और डिफरेंस 6 आए। यस, 8 एंड 2 तो ना, इसके लिए कितने ऑप्शन है, 9, 1, 8, 2, 6, 4, इसके लिए ऑप्शन थे बहुत सारे। अब मेरा मोटिव सबके ऊपर नहीं है, मेरा मोटिव है कॉमन सॉल्यूशन के ऊपर, कॉमन मीन जो दोनों में काम आ जाए, जैसे 8, 2, 8+2 कितना होता है 10, 8+2 कितना होता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन सॉल्यूशन जो दोनों के लिए वैलिड होगा, और वो ये वाला पॉइंट होगा जहां पर दोनों लाइंस मीट कर रही होंगी, यही वो पॉइंट होगा जो दोनों के लिए ट्रू होगा, दिस इज कॉल्ड कॉमन सॉल्यूशन। एंड जहां लाइंस मीट करती हैं, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मीन्स जो रिपीट नहीं होता, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, तो इट हैज ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन अगर लाइंस कट कर रही है एक ही पॉइंट पे। अच्छा ऐसे केस में क्या होगा, Do they have one common, कोई इसका common answer है, solution है इसका? Possible ही नहीं है। जब lines meet ही नहीं कर रही, ये अपने अलग रास्ते और अपने अलग रास्ते, तो they will not have a common solution. तो they will have no solution. Common की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इनमें कुछ common नहीं होगा। इसके points अपने अलग हैं, इसके अलग हैं, common क्या है? एक भी नहीं। तो we call them, they have no solution. ठीक है? अब आपका नाम भूल गया मैं, sorry.
नितिन नितिन आप बताओ मुझे, ये लाइंस एंड दोनों कोइंसाइडिंग, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके कितने कॉमन सॉल्यूशंस हैं? नहीं, इसमें अगर लाइंस कोइंसाइडिंग हो, अगर कोई भी दो लाइंस एक के ऊपर एक हो, उसमें क्या आंसर होगा, कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनेटली मैनी, एनी पॉइंट इज लाइंग ऑन बोथ लाइन। मैं तो सिर्फ चार ड्रॉ कर रहे हैं ना, एक लाइन में पॉइंट्स कितने होते हैं, लाइन में तो पॉइंट्स इन्फिनाइट होते हैं, तो ये वाला पॉइंट कहां पर है, एल वन पे भी, एल टू पे भी। ये वाला पॉइंट कहां पर है, एल वन पे भी, एल टू पे भी। यहां बना देता हूं, ऐसे भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट कहां पर है, एल वन पे भी, एल टू पे भी, ये वाला दोनों पे। तो अगर लाइन्स कोइंसाइडिंग है तो उसमें सॉल्यूशन इन्फिनाइट होंगे, कॉमन सॉल्यूशन और इन्फिनाइट। एवरी पॉइंट इज अ दोनों का पॉइंट, एल वन का भी, एल टू का भी। इसमें ऐसा नहीं है, इस वाले में, इसमें एक ही होगा, इसमें एक भी नहीं होगा, इसमें सारे ही होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला ही आता है, एक वाला, यूनिक वाला। समझ में आ गया आपको? मैंने अभी आपको सिर्फ चैप्टर का ब्रीफ करा है, डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, और आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी रिस्क में क्लैरिटी तो अच्छी बात है, बट ना क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। मैं आपको इसको हटा रहा हूँ, बताता हूँ कैसे करना है, सारा ही लिखना कैसे है। फिर से कह रहा हूं, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क एनी टाइम, मेरे को रोक के। अब देखो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ इक्वेशन जो आप पढ़ रहे हो लीनियर फॉर्म में इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा आप ग्राफ बनाओगे तो क्या आने वाला है, कभी कर्व नहीं आएगी। कर्व किस में आती है, इट्स अ क्वाड्रेटिक पैराबोलिक कर्व। किस में आती है, जब डिग्री टू होती है या डिग्री थ्री होती है। तो डिग्री वन है, पढ़ रहे हम लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। बट स्ट्रेट लाइन के टाइप्स क्या होते हैं, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, उसमें क्या होता है मिसिंग, वाई मिसिंग होता है। मैं ऊपर करता हूं मैं एक बार ना आराम से, ठीक है। तो वर्टिकल फ्लो आपकी होगी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें मिसिंग क्या था, वाई, तो मिसिंग क्या है, एक्स। इसमें जहां एक काट रहा है वही वाई हमेशा सेम ही रहेगा, इसमें कभी वाई चेंज होगा ही नहीं, एक्स चेंज हो जाएगा, वाई इज नॉट गोना चेंज। ये क्या है, ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, हमेशा क्या होगा उसके अंदर, नॉर्मल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई, जो आप पढ़ते आ रहे हो प्लस इक्वल टू जीरो, वही आएगी इसमें। तो ये आपको पहले प्लॉट करना है, इसको लिख लो आप नोट पॉइंट से लेकर नीचे तक। ये आप समझ चुके हो, आपने लिखा नहीं था तो एक बार लिख लो। एक चीज याद रख लो, जिसमें जो मिसिंग वेरिएबल होगा वो बनेगी उसके पैरेलल। इसमें मिसिंग क्या है, इट्स वाई के पैरेलल, मतलब वर्टिकल। इसमें मिसिंग क्या है, एक्स, इट विल बी एक्स के पैरेलल, मींस हॉरिजॉन्टल। नाउ शी इज आस्किंग, जो इसका डाउट है वो शायद सबका हो सकता है, अगर इक्वेशन ऐसी है, सुनो ध्यान से, इशिता डाउट आपका भी हो सकता था, प्लीज डाउट तक किसी का भी हो सुना सबको होता है, यही फायदा बैच में पढ़ने का, इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर मान लो आपकी इक्वेशन है 5x plus 4x plus 9 is equal to 0, अब ये क्या करेंगे, 5x plus 4x plus 9 is equal to 0, तो ये कैसी लाइन होगी, ये वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, क्या है? Because 5x plus 4x can be added ना to get 9x, right? 5x plus 4x, तो add ही हो जाएंगे, तो this like 9x plus 9, तो इसमें भी क्या है, y तो नहीं है ना, तो it's y के parallel. ऑब्लिक नहीं बनेगी, ये भी क्या बनेगी, वर्टिकल ही बनेगी। अगर ये होता ना ऐसे 5x plus 4y, x पे कभी y ऐड होता है, जैसे मान लो ऐसे आपके पास पार्क, यू हैव 5 कार्ड्स प्लस 4 पेन, ऐड करना, 5 कार में 4 पेन ऐड हो सकते हैं, कार एंड पेन आर डिफरेंट थिंग्स, सेम x एंड y आर डिफरेंट थिंग्स, दे कैन नॉट बी एडेड। इफ यू हैव 5 कार्ड्स एंड ऐड करते 4 कार्ड्स, Now they can be added, ना 5 plus 4, 9 cards, 5 pen plus 4 pen, तो the same objects can be added, चाहे वो xx चाहे yy हो, xy cannot be added, ये आपका algebra का rule है, सबसे major rule, ठीक है। आपने note कर लिया मुझे बता दो, अगर note नहीं किया तो wait कर लूंगा मैं। 5x square plus 4x square, अगर degree same है तो ही add होंगे, because x square and x are not same, तो वो भी add नहीं होंगे। 5x square plus 4x ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर लग गया फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने जीरो बोला भी नहीं, इसके अंदर नेचुरल नंबर में हमेशा आएगी, जैसे इसकी पावर एटलीस्ट वन तो है ही,
वेरिएबल की हो सकती है पर वो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल हो जाएगा ना, कॉन्स्टेंट के अंदर जीरो हो सकती है सिर्फ। लीनियर स्टार्ट करोगे अगर आप लीनियर से तो डिग्री कम से कम वन होती है, अगर वेरिएबल की पावर जीरो है तो उसको कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल जिसमें वेरिएबल होगा ही नहीं सर, फिर सबसे बेस्ट पावर जीरो इज वन, तो हमारा वेरिएबल दिखने नहीं वाला, तो इसलिए हमको वो लेना नहीं है, कभी आएगा नहीं वो। एटलीस्ट डिग्री यानी पावर यहाँ पर वन तो होगी, इसकी पावर ये कुछ ना हो तो मीन्स वन है वो, तो वन तो होगा ही होगा, जीरो नहीं होता। ओके सबका हो गया नोट डाउन ये? ओके कोई डाउट नहीं है किसी को भी इसके अंदर? नाउ ये वाला केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, जो आपने लिखा नहीं है समझ लिया था, दोबारा पढ़ेंगे इसको हम डिटेल में। व्हेन वी रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तीन केस अराइज होते हैं। अगर आपने कभी भी दो इक्वेशन को प्लॉट करो तो सेम पीस ऑफ ग्राफ, तीन केस अराइज होंगे। पहला केस क्या, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जैसा आपको दिख रहा होगा ये L1 थी, L1 याद है ना क्या था मैंने कहा था, L1 इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ A1x प्लस B1y प्लस C इज इक्वल टू 0, शॉर्ट में L1 है, दिस इज L2, दोनों ऑब्लिक है एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन सोल्यूशन। और इसमें कितने आएंगे कॉमन सोल्यूशन, वन, एक पॉइंट पर कट हो सकता है, दो पे कट ही नहीं करेगा ये वन सोल्यूशन। नाउ सेकंड केस इज पैरेलल लाइन, अगर लाइंस पैरेलल है L1 L2 तो उस केस में देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब कॉमन की बात कर रहे हैं, कॉमन एक भी सॉल्यूशन नहीं है इसके अंदर। एंड इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइन के ऊपर लाइन चढ़ गई, तो उस केस में इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है इसमें, एवरी सिंगल पॉइंट इज कॉमन टू बोथ L1 भी L2 भी। तो ये वाले इसके तीन केसेस हैं, ये आपको बनाने हैं अभी, मैं जब कहूंगा तब, अभी नहीं रुको, समझो पहले एक बार फिर से, कुछ चीजें इसमें भी ड्यू है समझाने के लिए। केस क्लियर है आपको? नाउ ये जो आपने पढ़ा ना, इसके सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है नहीं है या बहुत सारे हैं, इसको बोलते हैं क्या, वी कॉल इट एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। क्या क्या बोलते हैं माने इसको, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, मतलब कि एल्जेब्रिकली से कितने आंसर आने वाले हैं, इसको सॉल्व करोगे तो कितने आंसर आएंगे, एक ही आएगा, एल्जेब्रिकली सॉल्व करके यू विल गेट वन सॉल्यूशन, इसमें आएगा ही नहीं, इसमें आते जाएंगे, तो सॉल्व नहीं करना होगा इसको, इसको इसको सॉल्व करना होगा। नाउ केस, यहाँ पर केस दो तरह के हैं, अगर तो लाइंस में कभी भी कोई लिंकेज कोई कनेक्शन होगा तो दैट केस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट केस। कौन सा केस, कंसिस्टेंट, अगर लाइंस आपस में छू रही एक दूसरे को, चाहे वो एक पॉइंट पे या बहुत सारे पॉइंट्स पे, तो केस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। तो इसमें ये वाला केस कैसा होगा, कंसिस्टेंट, ये वाला केस कैसा होगा, कंसिस्टेंट, बट यहाँ तो कोई कनेक्शन नहीं आपस में लाइन्स में, तो दिस केस इज इनकंसिस्टेंट, इसमें इनकंसिस्टेंसी है, ये लाइन अलग है, लाइन अलग है, दे हैव नो कनेक्शन विद देम। तो उनमें आ गया, why this is inconsistent, because they don't have any connection, इसमें connection है, yes, कितनी बारी, एक बारी, इसमें कितना है, infinite times, तो ये दो case consistent है, the case of parallel lines is called inconsistent case, they can ask कि ये lines कैसी हैं, consistent and inconsistent, वो आपको देखना पड़ेगा, कौन सा case है, we can write it accordingly, तो उनमें आ गया, अभी आप सिर्फ यहाँ तक लिख लो, case तक, बना के, proper लिख के। अभी ये रेशियो वाला प्लीज मत लिखना, ठीक है, रेशियो वाला नहीं लिखना, अभी आपको समझाऊंगा फिर लिखोगे आप। तो थोड़ा देख लेना आवाज,
हाँ आपको यू हैव टू राइट टिल केस, केस कौन सा कंसिस्टेंट या जो भी है बस यहीं तक, मैंने सब कुछ छुपा दिया, जो नहीं लिखा है मैंने सब कुछ हाइड कर दिया अपने आप ही, जितना दिख रहा है वो सब आपको नोट करना है। जो आगे वाला पार्ट है ना इसके बाद आपको दिखाता हूँ रेशियोज क्या है इसके अंदर, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको अभी आज ना करवाऊँ वरना ये समझ में नहीं आएगा, इसमें टाइम लगेगा, तो इसको नेक्स्ट टाइम करवा रहा हूँ। अभी आपने आज यहाँ तक करा है, मैं क्लास की रिकॉर्डिंग बंद करवाऊँ।